हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिली टोफू की रेसिपी। ये हम बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे, साथ ही हम इसमें पाइनएप्पल ऐड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिली टोफू की रेसिपी। यहाँ पर मैंने टोफू लिया है, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये पैकेट 200 ग्राम्स का है। साथ ही इसमें हम पाइनएप्पल ऐड करेंगे, तो ये कुछ पाइनएप्पल चंक्स लिए हैं। साथ ही बेल पेपर, यहाँ पर ग्रीन, येलो, रेड तीनों तरह की ली है। साथ ही कॉर्न स्टार्च, विनेगर, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर लिया है। ये जो हमने चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस लिया है, इसको मिक्स करके हम एक सॉस रेडी कर देंगे। ये हमने 1-1 टेबलस्पून यहाँ पे लिया है। अब जो टोफू हमने लिया है उसे हम ओपन करके इसे अच्छे से वॉश करके कट कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद हमें जिस भी शेप में ये चाहिए उस शेप और साइज में हम इन्हें कट कर लेंगे। मैं इतना साइज रख रही हूँ इसका। और इन पीसेस को हम एक बड़े बोल में ले लेंगे। यहाँ पर जो कॉर्नस्टार्च मैंने लिया है उसमें से 1 टेबलस्पून मैं इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ और इससे टोफू को अच्छे से कोट कर लेंगे। साथ ही इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे इस टाइम पे और ब्लैक पेपर। हल्का सा मॉइस्चर होता है इसमें क्योंकि ये पैक्ड है, तो हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे इसको कोट करने के लिए। जस्ट को ऐसे ही इसमें मिक्स करेंगे तो ये इसमें मॉइस्चर होने की वजह से इससे कोट हो जाएगा। आप चाहे तो हल्का सा ऑयल इसमें डाल सकते हैं। एक पैन हीट अप करेंगे, इसमें मैं हल्का सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ, बहुत ज्यादा हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। जब हम चिली पनीर या चिली पोटैटो कुछ भी बनाते हैं तो उसे हम डीप फ्राई करते हैं कॉर्न स्टार्च से कोट करके। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जैसे इनको सेलो फ्राई करेंगे। इसको इस तरह पैन में अरेंज कर लेंगे सारे टोफू जो हमने कोट किए हैं। अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हल्का सा चिली इसमें डाल सकते हैं साथ में। और अब इन्हें हल्के से चलाते हुए इस तरह ब्राउन होने तक कुक होने देंगे। और देखिए आराम से, क्योंकि हमने ये कोट किए हुए हैं कॉर्न स्टार्च से, तो ये चिपकते भी नहीं है और आसानी से कुक हो जाएंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। इन्हें हम एक बोल में निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में हम बिना ऑयल के ही सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे जो हमने बेल पेपर्स ली हैं। साथ में हमने जो पाइनएप्पल लिया है उसे भी ऐड कर देंगे। हम इससे जो उसमें मॉइस्चर है उसमें ही कुक करेंगे, कोई ऑयल ऐड नहीं करेंगे। अभी जो हमने सॉस रेडी किया है उसमें से 2 स्पून हम सॉस मिक्स करके इसको कुक होने देंगे ताकि सब्जियों और पाइनएप्पल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। साथ ही ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। टोफू काफी हेल्दी होता है, प्रोटीन रिच है, तो हम इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल डाल के इसको अनहेल्दी नहीं करेंगे। जो भी इसकी गुडनेस है वो बनी रहे। तो इस तरह सॉस ऐड करके सारी हम इसमें टोफू ऐड कर देंगे और इसे हल्की आंच पे कुक होने देंगे थोड़ी देर, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। ऊपर से हम थोड़े से सिसमे सीड ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। और अभी रेडी है बिल्कुल, इसे हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा चिली टोफू बिल्कुल रेडी है। बहुत ही कम ऑयल में बनाया है और इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता ऑयल की वजह से। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।